नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 107 किलोमीटर दूर बलरामपुर जिले की नगर पालिका का एक अमानवीय कृत्य सामने आया है, जहां एक शव के साथ असम्मानजनक व्यवहार किया गया है। बुधवार को हुई इस घटना में नगर पालिका के कर्मचारियों ने यहाँ एक शख्स की मौत के बाद उसके कोरोना संक्रमित होने के डर से उसके शव को कूड़ा गाड़ी में उठाया। नगर पालिका ने शव को थाने ले जाने के लिए कूड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया। इस मामले में 7 सरकारी कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल और 4 नगर पालिका के कर्मचारी शामिल हैं। घटना का मोबाइल फोन से शूट किया गया एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि नगर पालिका के कुछ कर्मचारी शव को कूड़ा गाड़ी में डाल रहे हैं और वहीं कुछ पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं। मौके पर एक एम्बुलेंस भी थी, लेकिन एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने शव को इस डर से छूने से मना कर दिया कि मृतक को कोरोना हो सकता है। बलरामपुर जिले की उतरौला तहसील में मोहम्मद अनवर नाम के 42 साल के एक शख्स किसी काम से आए थे, तभी तहसील के गेट पर वो अचानक से गिर गए, जिसके बाद वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने इसकी खबर पुलिस और एम्बुलेंस को दी। जानकारी मिलने पर वहां एम्बुलेंस भी आ गई और पुलिस भी आई, लेकिन किसी ने उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें मरा हुआ जानकर नगर पालिका की गाड़ी में डालकर थाने ले गए। बाद में डॉक्टर्स ने उनकी मौत की जानकारी दी। यह साफ नहीं है कि अनवर की मौत कोरोना वायरस से हुई है या नहीं। बलरामपुर के पुलिस कप्तान देव रंजन वर्मा ने इस रवैये की आलोचना करते हुए मीडिया से कहा है कि यह बहुत ही अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार है। उन्होंने कहा, यह बहुत अमानवीय और गैर कानूनी काम है। अगर उन्हें कोरोना का संदेह था तो भी उन्हें पीपीई किट पहनकर शव ले जाना चाहिए था। न किसी जिंदा आदमी का अपमान किया जा सकता है और न ही किसी के शव का। इस मामले में इलाके के सीईओ और एसडीएम को जांच सौंपी गई है। वो जिसकी जिम्मेदारी तय करेंगे उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाएगी। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।